Welcome, students. Yesterday we talked about the second law of Mendel, that is law of segregation. Today we are going to discuss about the dihybrid cross. And dihybrid ratio. Similarly, we can talk about the trihybrid or polyhybrid cross and ratio also. Okay. So Mendel proceed for single character in the beginning, and his observations were put forward and some conclusions were drawn by him. The conclusion drawn by him, now we are calling it Mendel's law. The first Mendel law, kya tha? Law of dominance. Usme, when two contrasting characters are crossed with each other, then the character which is seen in F1 generation is called as dominant, and that is not seen or which is not appeared in F1 generation is called as the recessive character. Ye dekha humne. Thereafter, during gamete formation, jo दो अलील थे वो सेपरेट हो जाते, सेपरेट होना मतलब सेग्रीगेट हो जाना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, देयरफॉर डिफरेंट रिजल्ट्स आर सीन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायहाइब्रिड, मींस टू कैरेक्टर एट अ टाइम. सो आप लोगों को मैंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में लिस्ट नहीं दी. ओरली मैंने बताया आपको कि कौन से कैरेक्टर हमने कंसिडर किए. सी, वेरी सिंपल आइडिया टू रिमेंबर द 7 ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडेल. पहला, स्टेम के हाइट के बारे में, उसपे 2 ट्रेट मिले, टॉल एंड डार्क. फिर नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू फ्लावर. अब फ्लावर से रिलेट कैसे करना है उसको, तो एक कैरेक्टर रिलेटेड टू फ्लावर इज फ्लावर कलर. इट कैन बी कलर्ड और इट कैन बी व्हाइट. हो गया एक पे फ्लावर के बारे में. दूसरा, उसकी पोजीशन हमने देखा था कि फ्लावर कैन बी एक्सियल और इट कैन बी टर्मिनल. देन पॉड के बारे में, पॉड के बारे में भी 2 कैरेक्टर है. पॉड कैसा, इन्फ्लेटेड या फिर कंस्ट्रिक्टेड. इंप्लेटेड मतलब सीधा, कॉन्स्टिटेड मतलब वो डायग्राम निकाल के दिया था मैंने आपको, वो वाला. ये हो गया पॉड के बारे में एक कैरेक्टर. दूसरा कैरेक्टर पॉड का कलर है, तो पॉड का कलर पहले ग्रीन एंड बाद में येलो, पहले ग्रीन बाद में येलो. ये हो गया पॉड कलर. अब सीड के बारे में 2 कैरेक्टर है. सीड के बारे में भी शेप ऑफ द सीड, दैट इज राउंड एंड उसका कॉन्ट्रास्टिंग है कंस्ट्रिक्टेड. और सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, यहां पर उल्टा है, येलो एंड ग्रीन. ओके, यू कैन सी दैट इन द टेक्स्ट आल्सो. सो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किसके बारे में, एक तो हाइट ऑफ द स्टेम, उसके बाद फ्लावर के बारे में 2 है, फ्लावर का कलर एंड फ्लावर की पोजिशन, ये 2. देयरआफ्टर पॉड का शेप एंड पॉड का कलर, सीड का शेप एंड सीड का कलर. तो 2 इसके बारे में, फ्लावर के बारे में 2, पॉड के बारे में 2 एंड सीड के बारे में 2, इक्वल टू 6. एंड एक हो गया हाइट ऑफ द स्टेम. ऐसे 7 ट्रेड्स मेंडल साहब ने पढ़े थे. अब उनमें से 7 में से कोई भी 2 पेयर हम कंसिडर करेंगे. जैसे हाइट एंड कलर ऑफ द सीड और फ्लावर, फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर लिया.
तो हाइट के लिए कैपिटल डी कैपिटल डी, कलर रेड है इसलिए कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। या फिर शेप ऑफ द सीड राउंड एंड रिंगर, क्योंकि कलर के बारे में क्या है, पर्पल कलर है व्हाइट कलर है, सो उसके लिए सी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी ऐसा यूज करते हैं। यहां पर हम लोग इंस्टेड ऑफ कलर ले आर गोइंग टू राइट द शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड कैसा है, राउंड, और इसके कॉन्ट्रास्टिंग में हाइट क्या है, ये टॉल हो गया, दूसरा है डार्क, एंड इसके बारे में रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब कंस्ट्रिक्टेड, रिंकल्ड, ये वाला राउंड है और ये वाला रिंकल्ड है, सेम हाइट के बारे में टॉल एंड डार्क, ठीक है। अब ये दो कैरेक्टर एक ही प्लांट के अंदर, और ये दो कैरेक्टर एक ही प्लांट के अंदर एट ए टाइम कंसिडर किया, देन इट विल बी कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस। अब व्हेन वी आर गोइंग टू राइट दिस कैरेक्टर दिस फिनोटाइप, देन वी हैव टू राइट द प्लांट P1 जनरेशन कैसी है, टॉल एंड राउंड, ठीक है। जीनोटाइप ये हो गया फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, टू कैरेक्टर है दो टाइम उसका लिखना, इसके कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में क्या है, डार्क एंड रिंकल, शेप ऑफ द सीड। तो यहां पर हम लोगों ने दो कैरेक्टर कैसे लिखे, तो डार्क के लिए स्मॉल टी एंड रिंकल के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर, these two are pure light. It means they will breed always true on selfing. Selfing अगर किया तो ऐसे ही variety हमें मिलेगी बार 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 बार, इसका भी selfing किया तो ये मिलेगा। अब इनका cross लेना है हमें, तो gamete formation कैसे होगा, इसकी gametes, अगर हम लोगों ने ये consider किया capital T, तो गैमेट फॉर्मेशन में एक टी हम लोग कंसिडर करते हैं गैमेट में, यहां पर भी दोनों में से एक टी लेना होगा इस कैपिटल, लेकिन ये भी कैरेक्टर है देयरफॉर इसका भी एक अल्फा बीटा में लेना पड़ेगा, एंड नाउ इट बिकम द गैमेट, सो गैमेट इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, सो इट बिकम कैपिटल टी एंड कैपिटल आर, ये गैमेट हो गया। यहां पर गैमेट आप लोग बताएंगे तो it will be small t and small r, gametes are haploid, the plants are diploid, means iske double set hote hai, iske bhi double set hai, triploid agar hai matlab trihybrid agar liya to aur koi character hum log yahan par jodenge, uska contrast yahan par jodna padega, then it will be yahan par thinking alphabet aayegi, okay। ab inka crossing karne ke baad fusion of gamete hua to hume kya mila, तो कैपिटल टी और इधर से कौन सा टी है, स्मॉल कैपिटल आर और इसके साथ स्मॉल आर, ठीक है। ये डबल हाइब्रिड है, हमने कंसिडर किया था कि इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, डबल हाइब्रिड, ये होमोजाइगस होमोजाइगस, दिस इज हाइब्रिड है, लेकिन कैसे डबल हाइब्रिड है, मतलब दोनों भी ट्रेड के लिए हाइब्रिड है। नाउ सी ये वाला जो प्लांट मिला हमें, दैट इज F1, कैसा है इसका फिनोटाइप, कैपिटल डी होने की वजह से टॉल है और कैपिटल आर होने की वजह से राउंड, सो दिस प्लांट विल बी टॉल एंड राउंड, मींस इसके जैसा, बट ये प्योर है मींस होमोजाइगस है, ये हाइब्रिड, ठीक है, इतना डिफरेंस है। फिनोटिपिकली ये दो एक जैसे हैं, जीनोटिपिकली दिस इज होमोजाइगस एंड दिस इज हेटेरोजाइगस, ये डार्क है, ये कैरेक्टर हमें दिखाई नहीं इन केस ऑफ F1 बिकॉज इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस, देयरफॉर डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा F1 में, ओके। अब इसका सेल्फिंग करेंगे, इट मींस
सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट, मेल बल्ब एंड फीमेल बल्ब एक ही टाइप के हैं, तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी? तो मेंडल साहब ने जब देखा तो उनको हमेशा जितने भी दो दो कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर किए तो एक ही टाइप का रिजल्ट मिला। उन्हें 2000-3000 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दिस इज कॉल्ड एम्पल प्रोसेस। एम्पल मीन्स वेरी बहुत ज्यादा नंबर वाला, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, फिर भी रिजल्ट एक ही मिला। अब व्हाट इज दैट रिजल्ट? सेल्फिंग के बाद क्या रिजल्ट मिला, इसका हम लोग पनेट स्क्वायर निकाल के उसको ड्रॉ करेंगे। ये कैसा प्लांट है? हाइब्रिड है। इसका फेनोटाइप है टॉल एंड राउंड। जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी तक का जो एक्सप्लेनेशन है मिटा देता हूं। अब इसका सेल्फिंग करेंगे, ये आपको याद रखना है। सेल्फिंग करने के लिए एक प्रोसीजर है, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा हमें प्लांट मिला। अब इसके गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसीजर पॉसिबिलिटी क्या है? उनको जो रिजल्ट मिले वो चार टाइप के रिजल्ट मिले उनको। अब चार टाइप के रिजल्ट्स क्या मिले उनको? तो कुछ प्लांट टॉल एंड राउंड सीडेड थे, कुछ प्लांट ऐसे, कुछ प्लांट उन्हें टॉल बट रिंकल सीडेड थे। ओके, टॉल राउंड टॉल रिंकल। बाद में मिला उनको कि डार्क एंड राउंड, और बाद में मिला उनको डार्क एंड रिंकल, ऐसे प्लांट डार्क एंड रिंकल। इनका जो रेशियो उनको मिला, ये जो प्लांट थे वो लगभग रेशियो में 9:3:1, ठीक है। टॉल एंड राउंड जो कि डोमिनेंट, दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट है यहां पर, वो ज्यादा मिले। एक कैरेक्टर डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, रेशियो में 3 के बराबर थे। अब पहला कैरेक्टर रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, ऐसे लगभग दोनों का रेशियो इक्वल था, और दोनों के दोनों कैरेक्टर रिसेसिव ऐसे बहुत कम थे। अगर ये हमने 1000 सीड समय मिले तो इनमें 9:3:3:1 के रेशियो में वो मिले। 2000 सीड भी मिले तो 9:3:3:1 के रेशियो में ही मिले। और ये कैरेक्टर कंसिडर करने के बाद जो रिजल्ट मिला, सेम रिजल्ट दूसरे कैरेक्टर कंसिडर करने के बाद भी मिला। तीसरा फोर्थ नेक्स्ट एवरी टाइम दो दो कैरेक्टर कंसिडर करने के बाद उनको एक ही टाइप का रिजल्ट मिला, बिकॉज द रिजल्ट्स वेर अबाउट पी प्लांट। दूसरे प्लांट में पॉसिबिलिटी कम है या फिर वो गलत आ जाता है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग डेविएशन में, इसका डेविएशन देंगे। अब ये जो रिजल्ट मिला तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि यहां पर जो गैमेट की पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पर कितने टाइप्स के गैमेट हमें मिलेंगे। तो पॉसिबिलिटी देखिए, मैं गैमेट कैसे फॉर्म हो रहे ये आपको बता रहा हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये उस प्लांट का F1 ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप। अब पॉसिबिलिटी क्या है? कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर या स्मॉल आर जा सकता, स्मॉल टी के साथ भी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये गैमेट में एंटर हो सकता। तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा हमें कैपिटल टी
कैपिटल आर। यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा हमें कैपिटल टी स्मॉल आर, यहां पर जो रिजल्ट मिल रहा स्मॉल टी कैपिटल आर, यहां पर जो रिजल्ट मिल रहा स्मॉल टी स्मॉल आर। सो मेरी गैमेट्स आर फॉर्म 1, 2, 3, 4, चार टाइप के गैमेट की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब ये चार टाइप के गैमेट्स मेल प्लांट में मिलेंगे और फीमेल प्लांट में भी चार टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, ओके। फिर उनका जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो हम काउंट करेंगे तो हमें ऐसा वो रिजल्ट मिलेगा। अब वो कंसिडरिंग द पनेट स्क्वायर वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखिए पनेट स्क्वायर कैसे सीधा सीधा पनेट स्क्वायर में निकाल देगा। ये जो रिजल्ट मिल रहा हमें वो सेल्फिंग का रिजल्ट है ऑफ F1 प्लांट। F1 का सेल्फिंग अगर किया तो क्या होगा, तो फिर देखिए व्हाट आई एम डूइंग, वैसा आप करके देखना, आपको जो बॉक्सेस मिलेंगे वो 16 बॉक्सेस होंगे। ठीक, अब ये मैंने क्या किया, यहां पर एक बॉक्स जो बनाया उसके अंदर उसके दो पार्ट कर दिए और यहां पर हमने दिखाया कि दिस इज दी मेल प्लांट और यहां पर दिखाया कि ये फीमेल प्लांट के गैमेट्स। गैमेट कैसे बने थे आपको याद होगा, क्या करना है, कैपिटल टी के साथ एक बार कैपिटल आर और दूसरी बार स्मॉल आर। सो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर हो गया कैपिटल टी का। अब स्मॉल टी के साथ भी एक बार कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर ले। सेल्फिंग है इसलिए वही टाइप की गैमेट, दूसरा भी प्लांट ऐसा ही जीनोटाइप वाला है, देयरफॉर इसकी भी गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, अब फ्यूजन कैसा है, कि यहां पर और यहां पर दोनों का फ्यूजन, यहां पर ये दोनों का फ्यूजन, यहां पर ये दोनों का लाइक दैट। सो इट इज वेरी इजी, इधर से आया कैपिटल टी, इधर से भी कैपिटल टी आया, इधर से कैपिटल आर, इधर से भी कैपिटल आर। वी नो दैट व्हाट दीज आर, दीज आर गैमेट्स, ये गैमेट्स है। ठीक है, अब ये पनेट स्क्वायर करते समय इनको ब्रैकेट में नहीं भी लिखा तो चलता, बिकॉज दे आर ओनली टू अल्फाबेट और ये जो बन रहा वो 4 अल्फाबेट वाला बन रहा। ठीक, व्हाट इज द रिजल्ट हियर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब रूल क्या है कि कैपिटल जब भी आएगा कहीं पर भी वो पहले लिखना है, लेकिन यहां पर देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर देन स्मॉल आर, आगे हम कैपिटल टी आ रहा है यहां पर, लेकिन यहां पर स्मॉल टी आ रहा तो स्मॉल टी लिखना पड़ेगा, बिकॉज टी टी मीन्स हाइट वाले पहले लिखना, बाद में राउंड और रिंकल वाले लिखना, मीन्स दूसरा कैरेक्टर नेक्स्ट ईयर लिखना। आर के बारे में कैपिटल आर दोनों तरफ से, और यदि रिजल्ट दिया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इधर से आओ कैपिटल पहले लिखना है बाद में स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। हियर कैपिटल किधर से आया तो पहले लिखना है, इधर से आया इधर से आया किधर से आ रहा है कैपिटल टी बाद में स्मॉल टी, आर दोनों तरफ से कैपिटल मिल रहा, देयरफॉर यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल। कैपिटल आर इधर से है, कैपिटल टी इधर से है, इधर से भी आने दो लेकिन पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा, तो फिर कैपिटल
कि हमने पहले लिखा, यहां पर कैपिटल आर पहले लिखा, इधर सिंगल आर, स्मॉल टी स्मॉल टी, अब है नहीं कैपिटल तो स्मॉल टी लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, अदरवाइज यू विल थिंक कैपिटल पहले लिखना है, मतलब आर आर पहले लिखो, नो नो, पहला जो ट्रेड है वो ही लिखना पहले, बाद में दूसरे ट्रेड के बारे में लिखना, यहां पर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर उधर से स्मॉल, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये कैरेक्टर डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, कैसा मिला, टॉल एंड राउंड सीडेड प्लांट, टॉल एंड राउंड, ये कैसा है, टॉल एंड राउंड, ये कैसा है, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड रिंग कर, बिकॉज दोनों के दोनों स्मॉल है, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड रिंग कर, टॉल राउंड, टॉल राउंड, डार्क राउंड, डार्क राउंड, टॉल राउंड, टॉल रिंकल, ये कैसे, डार्क राउंड, ये डार्क रिंक, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग, टॉल राउंड, यहां पर लिखेंगे टॉल एंड राउंड, यहां पर भी टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड, जो जो मिला हमें फिनोटाइप वो लिखना पड़ेगा। अब टॉल एंड राउंड कितने, टॉल एंड राउंड, यहां पर टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, लेकिन ये टॉल एंड रिंकल है, ये नहीं, ये टॉल एंड राउंड है, ये टॉल राउंड है, ये डार्क है, ये भी डार्क है, तो ये नहीं लिखना, ये टॉल राउंड है लिखना, तो कितने मिले हमें टॉल एंड राउंड, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नाइन मिले टॉल एंड राउंड, 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 ये नहीं, टॉल एंड राउंड, यहां पर टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, नहीं नहीं, दिस इज टॉल एंड राउंड, मीन्स एटलीस्ट दोनों में से एक कैपिटल होना जरूरी है, यहां पर दोनों कैपिटल है, नो, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड, कितने मिले, नाइन। अब ये हो गया, अब टॉल एंड रिंकर, टॉल एंड रिंकर, एक टॉल एंड रिंकर, दो टॉल एंड रिंकर, टॉल एंड रिंकर, टॉल एंड रिंकर, टॉल एंड रिंकर, कितने, तीन। अब डार्क एंड राउंड, डार्क एंड राउंड, कितने, एक डार्क रिंग, सॉरी डार्क एंड राउंड, ये भी डार्क एंड राउंड, ये भी डार्क एंड राउंड है, वन टू थ्री, और सिंगल वन इज वो डार्क भी है रिंकल, सो दिस रेशियो इज 9:3:1, ऑलवेज इन हिज एक्सपेरिमेंट ही ऑब्टेन द रेशियो लाइक दिस 9:3:1, द रेशियो इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड रेशियो, एंड द क्रॉस टेकन इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस।
कोई भी दो कैरेक्टर भी प्लांटेड कंसिडर करने के बाद सेम रिजल्ट हमें मिलता हमेशा। अब और एक बात इसकी, हमें टोटल प्लांट इस बॉक्स में कितने मिले, हमें 16 मिले, 16। सो 9 कैसे, 16 में से 9 कैसे, टॉल एंड राउंड है। 16 में से 3 कैसे, टॉल एंड रिंकल है। 3 कैसे, डार्फ एंड राउंड है। और एक कैसे है, डार्फ एंड रिंकल, सिंपल। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो लेते हैं कि जीनोटाइप्स कितने टाइप्स के जीनोटाइप्स हमें मिले। देखिए सब कैपिटल, ऐसे कितने हैं, मीन्स चारों के चारों लेटर कैपिटल, ऐसा एक है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि जीनोटाइप्स कौन से टाइप के जीनोटाइप्स हमें पॉसिबली मिलते। मैं एकदम छोटा लिखता हूं यहां पर, कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल आर कितने, एक। उसके बाद चारों के चारों कैपिटल, तीन कैपिटल, तीन कौन से, पहले तीन कैपिटल मीन्स कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ऐसे ढूंढिए आप लोग। एक देखिए कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल आर देन स्मॉल आर, यहां पर नहीं है वो कंडीशन, पहले तीन चाहिए, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है कितने, दो, और जगह पर आपको मिलेंगे ही। ये प्रैक्टिस का है इसलिए टाइम बचाने के लिए मैं तुरंत आपको दे रहा हूं, यहां पर वो दो मिलते, ठीक। अब जो हमने यहां पर लिखा उसको भी कैंसिल करना है कि ये हमने लिखा, ये भी लिखा और ये भी लिखा, या फिर उसको राउंड बना दीजिए कि हमने इसको काउंट कर दिया हमारा, फिर से उसको देखने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको रब करना पेंसिल से या फिर राउंड बना देना कि इसका काम हो गया। जैसे हमने फेनोटाइपिक रेशियो के टाइम में क्रॉस लगाई वहां पर, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसको फिर से क्यों देखेंगे हम लोग बार बार, नो, जिसका हो गया कट। अब आगे चल के हमें क्या करना है कि ओनली, अब ये हो गया ये हो गया ये हो गया, उसके बाद का क्या जीनोटाइप है, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल आर लिखो, क्या है कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल आर, ऐसे कितने, तो एक है, यहां पर वो कंडीशन नहीं है, यहां पर वो कंडीशन, देखिए सेम टू सेम। उसके बाद और कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो ये दो हो गए, तो ये भी दो मिलेंगे। अब उसके बाद का नेक्स्ट बॉक्स जो है वो कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, ऐसे कितने हैं, अगर आपने काउंट किया तो ये सीधा यहां डायगोनल्स, कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल, ये चार है, उसके अलावा मिलेंगे नहीं आपको। अब उसके बाद इसको हमें राउंड करना है, ये राउंड हो गया इसमें, अब क्या करेंगे, ऐसे गए हम लोग, अब ऐसे जाना है, ठीक है, तो आगे का क्या, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, ऐसे कितने हैं ढूंढेंगे, ढूंढो, एक नहीं 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 नहीं, एक ही है सिंगल। उसके बाद ये तो हो गया लिखना, हो गया जी चार हो गया हमारे लिखने, उसको भी काउंट लिखो। अब क्या, ये क्या लिखेंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल आर स्मॉल आर, ऐसे कितने मिले आपको, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर, दो मिले, देखिए कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल आर स्मॉल आर, दो मिले, राउंड लिखना हो गया राउंड। अब क्या करेंगे, ये स्मॉल टी कैपिटल आर ऐसे कितने हैं, दिख रहे सिंगल, एक
उसके बाद ये बात स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एक दो, उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल आर एक। तो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। ये फिनोटिपिक रेशियो था, ये जीनोटिपिक है। 1:2, 2:2, 2:4, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1 टोटल करेंगे 16। 1+2, 3, 3+2, 5, 5+4, 9, 9+1, 10 और ये 16। ये जीनोटिपिक रेशियो। कोई भी दो कैरेक्टर कंसिडर करके ऐसे ये प्रोग्राम करके देखना। अब इसके बाद ये जो रिजल्ट मिले इसका कंक्लूजन मेंडल साहब ने जब लगाया तो ये सब कुछ हो रहा, ऐसे हो रहा, इसके पीछे क्या कॉज है। सो फिर तीसरा लॉ उन्होंने फॉर्मुलेट किया। क्या है वो स्टेटमेंट? When two pairs of contrasting characters are crossed, when two pure plant, जैसे कि कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल आर एक प्लांट हो गया, दूसरा स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल आर स्मॉल आर, ये दो पेरेंट्स हैविंग प्योर ट्रेट बट कॉन्ट्रास्टिंग, इनका अगर क्रॉस लिया तो F1 प्रोजेनी मिलती। सेल्पिंग करने के बाद हमें 16 टाइप के 16 बॉक्सेस मिले। फिनोटिपिकली चार टाइप के प्लांट मिले। जीनोटिपिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइप्स के प्लांट्स मिले। फिनोटिपिकली चार टाइप के, जीनोटिपिकली 9 टाइप के। फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:2:4:1:2:1:2:1। ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। कैसे करने का, ये वीडियो आप लोग बार बार देखेंगे आपको समझ आएगा। अब ये क्यों हुआ? तो उन्होंने अनुमान लगाया ये जो पेयर ऑफ अलील है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे बिहेव इंडिपेंडेंटली, मीन्स कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ था इन पेरेंट्स। देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां पर जब गैमेट फॉर्म हुआ तो कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ गया, दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ गया,